एक्सरसाइज है ए, एक किरण ए बी है जिसके उस कोण के दो आसन कोण बना है, रेखे योग बना है, इसमें एक बिंदु ओ है, ओ से किरण निकल रही है ओ सी, तो ओ ए और ओ बी विपरीत किरण हैं, अतः जब ओ ए और ओ बी विपरीत किरण हो जाती हैं तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी दोनों मिल करके 180 कोण बनाएंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर 180, ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180, और ए ओ बी, ए ओ सी का मान x है और बी ओ सी का मान y है, तो x प्लस y बराबर 180, हमने x प्लस y की जगह 57 लिखा, तो x प्लस 57 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 57 बराबर 163। अंडरस्टैंड। अब दूसरा सवाल है कि एक किरण ए ओ बी है जिसमें एक बिंदु ओ से एक ओ सी किरण निकली हुई है और ए ओ सी एक समरेखी है। समरेखी का मतलब होता है कि ये जितने भी कोण इसमें बनेंगे वो 180 अंश के होंगे। अब कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी, यहाँ पर भी ए ओ, जब सम ए ओ बी समरेखी हैं तो ए ओ सी और बी ओ सी का दोनों कोणों का योग बराबर होगा 180 अंश, जो x पर 3 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180, 2x प्लस 3 प्लस x बराबर 180, 3x बराबर 180 माइनस 3, 3x बराबर 176 अंश, 59 डिग्री बचा उत्तर आया हमारा। ए ओ सी तथा बी ओ सी रेखीय युग्म में निर्मित करते निर्भर करते हैं, या तो समरेखी हों या दो किरणें विपरीत दिशा में हों या फिर सम रेखीय योग में निरूपित करते हों, तो दो इस प्रकार बने हुए कोण 180 अंश के होते हैं। ए ओ सी पर बी ओ सी बराबर 180, ए इसका मान बी ओ सी का मान x है और ए ओ सी का मान y है, तो x धन y डिग्री बराबर 180 डिग्री, y प्लस, यहाँ पर उन्होंने मान दे रखे हैं, x का मान y बाई 2 है, तो y धन y अपान 2 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 3 बाई 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर x का मान इन्होंने x बराबर y/2 डिग्री दे रखा है, तो x की जगह पर हमने y/2 रखा और y की जगह y रखा रहने दिया, तो ये हमारा आ गया 3y/2 बराबर 180, 3y बराबर 360, तो y बराबर 130, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अब कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ए ओ सी और बी ओ सी रेखीय योग बनाते हैं, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है, और x माइनस x प्लस y बराबर, यह x का मान है y का मान है, ए बी ओ सी x है, ए ओ सी का मान y है, तो x धन y बराबर 180, x माइनस y बराबर 44 दिया हुआ है। दोनों समीकरण योगफल समीकरण के अनुसार हल कर लेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 224, तो x बराबर आया 112। पांचवा सवाल है, ए ओ सी बराबर बी ओ सी दे रखा है, दोनों खड़ी रेखाओं में हैं, तो जब ए ओ सी ए बी पर खड़ी रेखा बनाती है तो ये दोनों कोण 180 अंश के होते हैं और 90-90 के होते हैं, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर आ गया, किरण ओ सी ए रेखा ए बी पर खड़ी रेखा है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180, ए ओ सी बराबर बी ओ सी दे रखा है, इसलिए ए ओ सी पर ए ओ सी बराबर 180, तो दो ए ओ सी बराबर 180, ए ओ सी का मान आया 90। ये हमें सिद्ध करना था, ओ सी और पंडिकराव राव ए बी, ओ सी ए बी पर लंब है, इसलिए ये दोनों कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे। पी ओ की एक सरल रेखा है, उसमें ओ बिंदु से
तीन किरणें निकली हैं, ओ एस और ओ टी और ओ आर। ओ पी और ओ की विपरीत किरण है, अतः कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश के होंगे। रेखा योग बनाएंगे, कोण पी क्यू पी ओ आर दो में दो कोण बन रहे हैं, दो आसन्न कोण हैं, पहला कोण पी ओ टी और दूसरा आर ओ पी टी, दोनों का योग पी ओ आर है, दोनों को जोड़ लिया। इस प्रकार क्यू ओ आर में भी दो कोण हैं, क्यू ओ एस और एस ओ आर दोनों को जोड़ लिया। इनके मान दे रखे हैं तो मान रख दिए, इसका पी ओ टी का मान 5x/18, 2x/9, टी ओ आर का मान और क्यू ओ एस का मान x/3, एस ओ आर का मान x/6। इन सबको हल करने पर आया एक्स का मान 180 डिग्री, यानी एक्स का मान लगाना था 180 डिग्री। ओ ए और ओ बी विपरीत किरण हैं, अतः ए ओ सी और बी ओ सी का मान 180 अंश होगा। एक्स का मान 2a दिया हुआ है, वाई का मान 3a दिया हुआ है, तो हमें एक्स प्लस वाई बराबर 180, तो 2a प्लस 3a बराबर 180 डिग्री, तो 5a बराबर 180 डिग्री, तो a का मान बराबर 36 डिग्री आया। एक्स बराबर 2a बराबर एक्स का मान आया 72 डिग्री और वाई का मान आया 108 डिग्री। सभी 9 प्रश्न हल करें, इसके बाद अब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये तो इस छोटे प्रश्न थे, इन्हें हल करिए। बाई ओर चित्र बनाइए, चित्र बना करके प्रश्नों को हल कीजिए, सभी प्रश्नों को हल कीजिए जो भी आज बताए गए हैं, और सभी परिभाषाएँ जो बताई थी उनको लिख करके उन्हें याद कीजिए, क्योंकि परिभाषाएँ अगर याद होंगी तभी हम आगे सवाल हल कर पाएंगे। तो ये अभ्यास समाप्त हो जाएगी, आगे फिर देखा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।